भारत 1947 जब आजाद हुआ उसके बाद जो भी यथास्थिति थी उसको नहीं बदलनी चाहिए, उसका क्या कर देना? क्या नहीं बदलनी चाहिए थी? जो भी यथास्थिति थी, चाहे मंदिर हो गया, मंदिर हो गया, जो वैसे था वैसे रहना चाहिए। नहीं नहीं मुझे लगता है कि देखिए देश की भावना के साथ ही देश चलता है, और देश जब प्रचंड बहुमत से कोई सरकार चुनती है तो उस सरकार के एजेंडे पे चुनती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रचंड बहुमत मिला है तो आप उसका एजेंडा पढ़िए कि उसने क्या कहा था कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो भारत की जनता चाहती थी कि वो करिए, इसलिए प्रचंड बहुमत दी है और भारत के जनता के विश्वास के साथ ही काम हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए क्या है कि न्यायालय में जब भी कोई मामला आता है तो न्यायालय उसकी छानबीन करती है और जो सत्य होता है वो सामने रखती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी भी चीज़ पे कोई आपत्ति है तो न्यायालय उसको जांच करेगी और जो सच है वो सामने रख देगी, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। शिवपाल यादव पिछले दिनों दौरे पे आदम बढ़ाए थे, उनका कहना है कि निरहुआ जी हमारे कार्यक्रम करे नोटिस करते थे और हमारे उनके कार्यक्रम हम चीफ गेस्ट होते थे, चीफ गेस्ट होते, आगे भी वो ऐसे करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ ला के दिखा दिया। और अब मैं आप समाज आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, अब अगला 25 साल जो अमृतकाल है वो आजमगढ़ में रह के, और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही निरहुआ ने आने वाले 25 साल में आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया है और वो यहीं रह के पूरा करके दिखाऊंगा।